पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 रोगियों की स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ने पर उन्हें समय पर होम आइसोलेशन से अस्पताल पहुंचाने की परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए आगे आना होगा, ताकि रोगियों को अस्पताल में बेहतर उपचार प्रदान किया जा सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये बात शिमला में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत करते हुए कही। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने होम आइसोलेशन में कोविड रोगियों की मदद के लिए पंचायती राज संस्थाओं के आगे आने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन प्रतिनिधियों से विवाह समारोहों के दौरान सख्त निगरानी करने का आग्रह करते हुए कहा कि ये पाया गया है कि कुछ लोग इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि सुनिश्चित करें कि ऐसे समारोह में केवल 20 लोग ही उपस्थित हों। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों को लोगों को बाहर के लोगों के बिना घर में विवाह आयोजन करने के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया। इससे महामारी के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को राज्य के बाहर से गाँव में आ रहे लोगों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए, ताकि उन्हें होम क्वारंटीन में रहने के लिए प्रेरित किया जा सके। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों और ऐसे समारोह जिनमें अधिक संख्या में लोगों के इकट्ठे होने की संभावना हो, उसके बारे में जिला प्रशासन को भी अवश्य सूचना देनी चाहिए। लोगों को होम क्वारंटीन प्रोटोकॉल की सख्त अनुपालना के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधियों को होम क्वारंटीन में लोगों पर नजर रखनी चाहिए और उन्हें चिकित्सा सहायता, दवाइयां और आवश्यकता पड़ने पर अस्पताल स्थानांतरित करने के लिए प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन प्रतिनिधियों को कोविड-19 मरीजों के अंतिम संस्कार के लिए सहायता प्रदान करने के लिए भी आगे आना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिनिधियों को पंचायतों को राज्य की विभिन्न पंचायतों के गांवों में कठिन समय से गुजर रहे लोगों को चिन्हित करना चाहिए, ताकि उन्हें आपदा की घड़ी में भोजन, रहने का स्थान और उनकी अन्य जरूरतों को पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बीमारी की दूसरी लहर अधिक घातक है और ये सभी के लिए चिंता का विषय है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत शॉर्ट नोटिस में आज हमने ये वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है वो तय की थी, और आज वीडियो कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को जोड़ करके बात कहने का अभिप्राय सबसे ज्यादा यही है कि अभी ये संकट बहुत गंभीर दौर में से गुजर रहा है, और जिस बात की आप लोगों को जानकारी भी है, हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि इस संक्रमण को रोकने का हम जो प्रयत्न कर रहे हैं उसमें हम सफल हों, उस दृष्टि से भी हम काम कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त हम संक्रमण को रोकने के साथ साथ में जो लोग संक्रमित हो गए उनके जीवन को बचाने के लिए उनको स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करके वो उनका ट्रीटमेंट ठीक प्रकार से हो, ताकि उनके जीवन को हम बचा सकें, उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी संभव सरकार की ओर से हो पा रहा है, हम मजबूती के साथ इस वायरस का सामना कर रहे हैं। इसके इलाज के लिए जो भी असंभव प्रयत्न प्रयास किए जा सकते हैं प्रदेश सरकार के माध्यम से, वो हम प्रयत्न कर रहे हैं और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार से भी हमको हर संभव सहयोग उसमें मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर हिमाचल प्रदेश के लोगों का हालचाल हमारे माध्यम से बातचीत करके लोगों को पूछते रहते हैं। केंद्र की ओर से जो हर संभव सहयोग जो प्रदेश को मिल सकता था, चाहे वो जितनी भी सप्लाई है सारी चीजें, और चाहे वो ऑक्सीजन की उपलब्धता की बात है, क्योंकि आज की तारीख में ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण हो गया इस कोविड के संकट में जीवन को बचाने के लिए, तो उस दृष्टि से भी हमको पूरा सरकार की ओर से मदद मिल रही है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि गत वर्ष कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान भी पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने इस महामारी को फैलने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर अधिक घातक और चिंता वाली है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।